एवरीवन स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उम्मीद है हाँ, आप सभी लोग अच्छे होंगे सो so, आपकी एच की साइकोलॉजी यहाँ पे चली हुई है जिसके अंदर आपका एक और टॉपिक है सेकंड यूनिट का कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज जिसको आज हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे अच्छे से समझेंगे ठीक है इसके अंदर हम क्या करेंगे डेफिनेशन को देखेंगे उसके बाद टाइप्स को देखेंगे प्रोसेस समझेंगे कम्युनिकेशन का क्या होता है एंड देन बैरियर देखेंगे क्या क्या रुकावटें आती है कम्युनिकेशन के अंदर उसके बाद उसके यूजेस देखेंगे ठीक है तो सारे सब कुछ देखेंगे अडोलसेंस में कम्युनिकेशन uh, uh, कैसे होता है ये तो हम देखेंगे ही तो आपको सारी चीज़ें आज इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको ज़रूर लाइक करके जाइएगा कमेंट करना और चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलना चलिए शुरू करते हैं देखिए अगर बात करो कम्युनिकेशन की यानी कि संप्रेषण होता है ये हिंदी में ठीक है क्या होता है संप्रेषण हिंदी वालों को मैं ऐसे बता देती हूं संप्रेषण होता है मतलब कि बातचीत करना ठीक है तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है देखिए कम्युनिकेशन को अगर आप सिंपली समझेंगे तो अगर मैं किसी सामने वाले से अपनी बात को अगर यहाँ पे रख पा रही हूँ अच्छे से इफेक्टिव तरीके से और अगर वो सामने वाला इंडिविजुअल अगर मेरी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है हमारी वार्तालाप

हम उनको किसी दूसरे इंडिविजुअल को क्या करते हैं अच्छे से अगर समझा पाते हैं उनको बता पाते हैं तो वो क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है ठीक है तो आपको प्रोसेस यहाँ पे समझ में आया उसके बाद टाइप्स क्या होते हैं देखिए कम्युनिकेशन अगर चैनल पे बेस बेस पर बताऊं मोड के बेस पर बताऊं तो कम्युनिकेशन आपके दो तरीके के होते हैं जो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से इधर बताया है कि बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल आपके कितने तरीके होते हैं आपका एक वर्बल होता है एक आपका नॉन वर्बल होता है और स्टाइल और पर्पज के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मल होता है एंड इनफॉर्मल होता है ठीक है तो ये टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के जिनको हम देखेंगे अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो देखिए वर्बल से आप समझ ही रहे हैं कि हम बोल करके अगर अपनी बातों को रख रहे हैं किसी दूसरों के सामने ठीक है साउंड्स के फॉर्म में या फिर वर्ड्स के फॉर्म में अगर हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन होता है जैसे इंटरव्यू जब होता है ये जैसे आप बैठे हुए हैं और ये आपके सामने बहुत सारे आपके इंटरव्यूअर बैठे हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका फेस टू फेस यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है वन टू वन डिस्कशन हो रहा है वो आपसे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप इनको क्या कर रहे हो रेस्पोंड कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है आपका वर्बल कम्युनिकेशन है कि आप फेस टू फेस बैठे हुए हो और बोल करके आपका जो कम्युनिकेशन है वो चल रहा है ठीक है उसके बाद ये वाला जो होता है ये ओरल तो होता ही है जो हम मौखिक रूप से करते हैं और रिटर्न कम्युनिकेशन भी होता है अगर हम

राइट uh, करके और ओरली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो उससे हम uh, यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं जिससे इंक्लूडिंग अवर आई कांटेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर्स एंड मोर ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है मान लीजिए आप हो ठीक है ये आप हो और आप अपने किसी फ्रेंड से मिले हो जो बहुत लंबे टाइम बाद आपसे मिला है तो आप इसको देख करके ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो तो ये अगर आपके चेहरे पर ये मुस्कान आई है ना तो इस मुस्कान से आपका दोस्त यहाँ पे ऑटोमेटिक समझ गया है कि आप कितने क्या हो खुश हो अपने फ्रेंड को देख करके तो आपको ने कुछ कहा नहीं लेकिन आपका यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया आपका फ्रेंड समझ गया बिना कहे ही आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ गया आपके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ गया ठीक है अब आप हो ये आपका कोई दूर का रिश्तेदार है जो आपके बारे में जो है उल्टा बुरा बोलता है कि अभी तक नौकरी नहीं लगी है ये है वो है ये तो उसके साथ उठता है ये तो उसके साथ बैठता है आपके पेरेंट्स को क्या करता है चुगली करता है ठीक है और आपको पता है ये वही वाला रिलेटिव है जो आपके घर पर क्या है आया हुआ है घर पर तो आपका क्या? आप अपने फेस से क्या आप अपना सड़ा हुआ सा फेस यहाँ पे बनाएंगे और इसे ऐसे ही मिलेंगे कि हाँ करेंगे ठीक है तो आपके फेस से कहीं ना कहीं आपके मूड से ये बंदा ऑटोमेटिक यहां पे समझ जाएगा कि वो कहीं ना कहीं आपसे क्या है असंतुष्ट है आपसे जो है खुश नहीं है उसके जो घर पे आपके घर पे जो इसका आगमन हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है अफेक्ट कर रहा है तो ऐसा कम्युनिकेशन जो आप बोल करके ना कर पाए लेकिन आपके आई कॉन्टेक्ट से आपके बॉडी लैंग्वेज से आपके फेशियल एक्सप्रेशन से अगर दूसरे समझ पा रहे हैं तो वो क्या है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ठीक है जैसे अगर आप कोई गलती करते हो तो आप आई कॉन्टेक्ट बनाना इग्नोर करते हो और सामने वाला समझ जाता है कि ये गलती किसने करी है ये गलती आपने ही करी है तो ये कैसा कम्युनिकेशन है ये कम्युनिकेशन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ठीक है उसके बाद चलते हैं स्टाइल और पर्पज के बेस पे जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज फर्स्ट इज योर फॉर्मल कम्युनिकेशन इस कम्युनिकेशन को मैं समझाती हूं आपको कि जैसे आपका ये ना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है वन uh, डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट फ्रॉम हाई टू मतलब लेवल वाइज चलता है सीक्वेंस में होता है ये कम्युनिकेशन इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है स्कूल को सबसे पहले ऊपर आपके कौन आते हैं प्रिंसिपल आते हैं ठीक है प्रिंसिपल से भी ऊपर कौन आते हैं स्कूल के डायरेक्टर आते हैं जैसे किसी अगर डायरेक्टर वगैरह आते हैं उसके नीचे कौन आते हैं फिर प्रिंसिपल आता है फिर प्रिंसिपल के नीचे आपके जितने भी हेड होते हैं ना जैसे आपके प्राइमरी के हेड हुए टीजीटी के हेड हुए ठीक है पीआरटी के हेड है, टीजीटी के हेड और पीजीटी के हेड ठीक है जिनको आप आ, कुछ भी कोऑर्डिनेटर जिनको बोलते हो ठीक है उसके बाद आपके कौन आते हैं बेचारे टीचर्स आते हैं ठीक है फिर ये टीचर्स आते हैं तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रोसेस अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर पास ऑन होती है तो सबसे पहले डायरेक्टर प्रिंसिपल को बताएगा फिर प्रिंसिपल इनकी मीटिंग लेगा हेड की फिर हेड जो है सभी टीचर्स की मीटिंग लेगा और वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा पास करेगा तो यहाँ पे एक सीक्वेंस तरीके से इन्फॉर्मेशन पास हुआ है एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से

ठीक है ऑर्गेनाइज नहीं होती है जैसे मान लीजिए ये पी ये टी के टीचर्स हैं ये TGT के टीचर्स हैं और ये क्या कर रहे है? अपनी जो है ना ये जो कम्युनिकेशन है ना ये किसी भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है ना ही ये किसी ऊपर से नीचे तक पास ऑन हो रही है बल्कि आपस में अपनी इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं अपने बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपने बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर डिस्कस कर

प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन की क्या प्रक्रिया होती है कैसे होती है वेन ए पर्सन डिसाइड्स टू कन्वे अ फैक्ट जब हम किसी भी फैक्ट को कन्वे करने की कोशिश करते हैं अपने सामने वाले इंसान से जिससे हम बात करते हैं अपने आइडियाज एम इमोशंस को तो यहां पे एक प्रोसेस फॉलो होता है उस प्रोसेस के अंदर आपके ये छे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं जिसमें आपका सबसे पहला आता है सेंडर सेंडर कौन होता है जो इन्फॉर्मेशन को दे रहा है पास कर रहा है वो कौन है वो सेंडर है ठीक है जैसे इस वीडियो के मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूं तो मैं मैं क्या हूं आपकी सेंडर हूं ठीक है और आप क्या हैं आप यहां पे रिसीवर है आप रिसीव कर रहे हैं एनकोडिंग का मतलब होता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँ उसको अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए बिल्कुल क्या कर लूँ रेडी कर लूँ मैसेज का मतलब है मुझे जो अपना मैसेज कन्वे करना है मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको मैं क्या समझाना चाहती हूँ वो आपका होता है मैसेज रिसीवर है आप लोग जो पढ़ रहे हैं डिकोड का मतलब है जो मैं कहना चाह रही हूँ अगर आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आपने उस मैसेज को क्या कर लिया है डिकोड कर लिया है और फीडबैक का मतलब होता है उसके बाद अगर आप किसी इंडिविजुअल की बात को सुन के उसको अच्छे से अगर समझ गए हो तो फिर बाद में आपका जो जवाब है एज ए रिस्पॉन्स वो आपका क्या होता है फीडबैक होता है ठीक है तो अभी चीज को आप समझे यहां से इसको हम ऐसे डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं ये सेंडर है जो मैसेज को सेंड करता है ऑर्गेनाइज तरीके से एनकोड करेगा चीजों को कि उसको क्या क्या और कैसे बताना है जो मैसेज उसको बताना है वो मैसेज वाला पार्ट होता है जो उसको इंफॉर्मेशन देनी है वो मैसेज में आती है उसके बाद रिसीवर इस मैसेज को डिकोड करता है अच्छे से अंडरस्टैंड करता है उसको और बाद में उसको क्या करता है रिसीवर वो होता है जो मैसेज को क्या करता है ग्रहण करता, करता है और अच्छे से रिसीव करने के बाद वो बाद में अपना क्या देता है उस को रिस्पांस देता है ठीक है तो ये वाली सारी चीजें प्रोसेस में आती है उसके बाद पढ़ेंगे बैरियर्स क्या होते है में, जो आपका कम्युनिकेशन क्या -क्या क्या -क्या इफेक्टिव तरीके से ना हो पाए तो इसके अंदर कुछ भी ऐसे बैरियर जो आपको प्रिवेंट कर रहे हैं आपको रोक रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए जो दूसरा आपको दे रहा है वही क्या होते हैं आपके बैरियर्स होते हैं तो यहाँ पे कुछ बैरियर्स मैंने आपके लिए लिखे हैं दैट इज वन इज योर फिजिकल बैरियर जैसे आपका फ़ोन का नेटवर्क आप फ़ोन पे बात कर रहे हो नेटवर्क की समस्या है और वो कुछ कहना चाहता है लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो ये कैसा एक्सपीरियंस है आपका ये कैसा बैरियर है आपका ये आपका फिजिकल बैरियर है जिससे आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया सीमेंटिक बैरियर का मतलब होता है आपका लैंग्वेज का बैरियर लैंग्वेज बैरियर मतलब हम कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन सामने वाला उसको अच्छे से डिकोड नहीं कर पाया अच्छे से जो है समझ नहीं पाया एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग यहाँ पे होते हैं तो अगर सामने वाला उस मैसेज को अच्छे से नहीं समझ पाया लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ पाया तो फिर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगी यहां पे रुकावट के तौर पे आएगी ठीक है नेक्स्ट इज is... ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है जैसे स्कूल्स के अंदर होता है स्कूल में क्या होता है कि जैसे ये होते हैं ना डायरेक्टर फिर पहले प्रिंसिपल को बताता है फिर प्रिंसिपल हेड को बताएगा एंड देन टीचर्स को बताएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना कि भाई चेयरमैन कुछ और कहने चाहता था प्रिंसिपल ने कुछ और इनको बताया हेड को तो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कहीं ना कहीं पर हो गई तो यहाँ पे फिर जो चीजें यहाँ पे पहुंचनी चाहिए थी वो चीज एंड तक नहीं पहुंच पाई और टीचर ही वो मेन जरिया होता है जो बच्चों को चीजें बताता है ठीक है तो ये क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है जो स्कूल्स वगैरह में या फिर किसी ऑफिस वगैरह में हो सकते हैं उसके बाद है बैरियर जिसको इमोशनल बैरियर भी बोलते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर कोई टीचर है मान लो ठीक है अगर कोई दो तीन टीचर्स है, है तो गुस्साए है. तो है, है, तो बैठे हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को अच्छे से ये सुनेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं तो ये बच्चों को फिर क्या डिलीवर किया जाएगा ठीक है तो एक साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बैरियर और इमोशनल बैरियर भी यहां पर होते हैं कि टीचर्स में अगर कोई फ्रस्ट फ्रस्ट्रेशन है कोई गुस्सा है कोई आक्रोश है तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने से नेक्स्ट इज पर्सनल बैरियर पर्सनल बैरियर का मतलब है आप खुद की वजह से यानी कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो आप जो है सामने वाले को अपने आइडियाज जो भी आप उसको बताना चाहते हो वो अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है आपने अच्छे से अपनी चीज़ों को डिलीवर नहीं किया जैसे हम लोग फोन पे करते हैं ना कि नहीं 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 बाद में बात करूंगी अभी टाइम नहीं है ठीक है तो वो जो आप चीज़ें जो सामने वाला आपसे सुनना चाह रहा है जो वो अच्छे से समझना चाह रहा है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हो नहीं पाता क्योंकि आपने जो टाइम उसको देना चाहिए था मैसेज को डिलीवर करने में वो आपने दिया ही नहीं जो बाद में एक एक्सक्यूज़ बन जाता है ठीक है तो ये कहीं ना कहीं बैरियर्स होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को यहाँ पर इफ़ेक्ट करते हैं आप आते हैं अपने मेन मुद्दे पे क्योंकि आप किस आ, किसके टीचर बनने वाले हो टीन जो स्टूडेंट है उनके टीचर बनने वाले हो आपको अडोलेशन स्टेज को देखना है नाइन्थ से ट्वेल्थ तक के बच्चों को पढ़ाना है तो इसको तो हम बिल्कुल करेंगे इसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं तो इंप्रूव कैसे करना है टीन कम्युनिकेशन स्किल को टीन का मतलब है अडोलेसन स्टेज जो टीन स्टेज है ठीक है तो हम उसका कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इस स्टेज में काफ़ी चेंजेस होते हैं बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बच्चे के साथ करना बहुत बहुत जा, क्या हो जाता है जरूरी हो जाता है तो एक टीचर के लिए और साथ ही एक पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि अपने बच्चे से हम बात करें उनका कम्युनिकेशन हम कैसे यहाँ पे सुधार सकते हैं ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर पाए, वो को आपके सामने रख पाए. तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे आपके लिए कि हमें अपने बच्चे के जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इंप्रूव करना चाहिए ताकि भविष्य में उसको क्या क्या हो सके हेल्प हो सके ठीक है सबसे पहला पॉइंट है लिसन मोर टोकलेस अपने बच्चों पे थोपिए कम उनको सुनिए उनकी क्या समस्याएं हैं क्या उनकी प्रॉब्लम है वो कहना क्या चाहते हैं क्योंकि ये जो स्टेज होती है ना इस पर आपके हारमोन्स भी बहुत चेंज होते हैं फिजिकल बहुत सारे बच्चे के अंदर चेंजेस होते हैं बच्चे इमोशनली बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब रहते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर बहुत एक समस्या खड़ी कर देते हैं यहाँ पर लोनलीनेस बच्चा फील करता है अकेलापन फील करता है तो बच्चे के लिए हमें चाहिए एज ए टीचर एज ए पेरेंट्स कि हम उनको सुने वो क्या कहना चाहते हैं उनको बस एक क्या चाहिए होता है ना एक साथ चाहिए होता है तो वो हम सुने उनको बल्कि उन पर थोपे कम ठीक है सबसे पहला पॉइंट ये है कम्युनिकेशन का उसके पास सेकेंड पॉइंट है नो योर ऑडियंस आपके जो ऑडियंस है अब यहाँ पे आपके ऑडियंस कौन है आपके स्टूडेंट है आपके बच्चे हैं ठीक है थीके? तो आप जानिए कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है कौन से बच्चे के इमोशंस कैसे हैं उनसे हम कैसे टॉक कर सकते हैं उनसे कैसे हम व्यवहार करें कि बच्चे क्योंकि टीचर को सबसे ज़्यादा पता होता है कि उसके बच्चे का बिहेवियर क्लास के अंदर कैसा है उसके बच्चे से हमें कैसे टॉक तो करना है कैसे हमें बात करना है तो अपने बच्चे को पहचानिए सबसे पहले उसके बाद आपका जो बॉडी लैंग्वेज जब वो यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है ठीक है जो बच्चे को क्या बनाता है कंफर्टेबल बनाता है आप कैसे बच्चे के लिए बिहेव कर रहे हो क्या आपका बॉडी लैंग्वेज है आप उसके लिए कड़क व्यवहार तो नहीं कर रहे हो आप उसके लिए स्ट्रिकनेस तो नहीं यहाँ पे लागू कर रहे हो तो वो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी मैटर करती है जब अपने बच्चे से बात करें तो चेहरे पे आपकी क्या होनी चाहिए स्माइल होनी चाहिए है। और आप बच्चे की प्रॉब्लम को सुने ठीक है उनपे थोपे ना चीजों को तो यहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज काफी मैटर करता है आपके बॉडी लैंग्वेज को देख करके ही बच्चा क्या करता है सीखता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है थिंक बिफोर यू स्पीक आप पहले सोचिए कि आप बोलना क्या चाहते हैं ठीक है उससे पहले आप बोले उससे पहले आप सोचिए कि आपको क्या कहना है आप जो कहना चाहते हो क्या आप वो सही तरीके से चीज़ें आप बच्चे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले थिंक बिफोर यू स्पीक मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल हमेशा एक नेगेटिविटी को दूर रखिए और पॉजिटिविटी को बच्चे की तरफ क्या करके लेकर के आइए और चेहरे पर एक स्माइल रखिए ठीक है ताकि बच्चा आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट जगाए बच्चे को लगे ना कि आप उसको या डपट किया जाएगा ठीक है गिव योर प्रीशियस टाइम टू योर चाइल्ड अब ये सारी चीजें एक टीचर के लिए तो है ही साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी है कि आपका जो प्रीशियस टाइम है आपका टाइम इस टाइम आपके बच्चे को देना बहुत जरूरी है इस टाइम अगर बच्चे को अकेला छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं एक गलत संगत में एक गलत उसमें पड़ सकता है बच्चा तो आप चाहे कितने भी आपका बिजी शेड्यूल है आपको अपने बच्चे को अपना टाइम देना पड़ेगा ताकि बच्चे को लगे कि वो अकेला नहीं है उसकी समस्याओं को यहाँ पे सुना जाएगा हेल्प देम टू एडमिट वेन देअर रूम इस स्टेज में क्या होते हैं बच्चे जनरली गलती करते हैं और बच्चे क्या करते हैं थोपते हैं उनको इग्नोर करते हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं तो बच्चे के साथ एक पॉजिटिव तरीके से बातचीत करके बच्चे को आप ये फील कराए कि बेटा अगर आपने कोई गलती करी है तो इट्स ओके okay, आप उसको सुधार सकते हो ठीक है तो आप बच्चे को एडमिट करना सिखाएं कि अगर वो गलत है तो नॉर्मलाइज चेंजेस हैपनिंग ड्यूरिंग एडोलेशन बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं हारमोनल चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर ठीक है बच्चे के यहाँ पर इंटरेस्ट काफ़ी इधर उधर हो जाते हैं तो यहाँ पर चीज़ों को नॉर्मलाइज करना सिखाइए बच्चे को कि अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो नॉर्मल है वो सभी के अंदर हो रहे हैं कोई एक अकेला ऐसा बच्चा नहीं है जिसके अंदर हो रहे हैं जैसे जो पीरियड्स होते हैं जो मैं साइकिल होती है जो गर्ल्स के अंदर चलती है तो यहाँ पर कई बार जो बच्चे होते हैं चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो उनके दिमाग में अलग अलग धारणाएं इस चीज़ के बारे में फिट हो जाती है कि ये तो कोई क्राइम है एंड ओल है ना ये तो कोई शर्म वाली चीज़ है बल्कि बच्चों के बीच में इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करिए कि ये नॉर्मल है सारी दुनिया ही इस टिकी है तो ये तो चीजें नॉर्मल है ठीक है तो ये नॉर्मलाइज करिए जो चेंजेस बच्चे के अंदर हो रहे हैं इस ड्यूरेशन के अंदर उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचता है यूज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल अगर एक बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव तरीके से है अगर वो अच्छे से बातचीत कर सकता है तो क्या फायदा उसको होगा द इंपॉर्टेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल फॉर स्टूडेंट एंड सम ऑफ द बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे गए हैं उनको एक एक करके देखेंगे सबसे पहले तो अगर कम्युनिकेशन स्किल है तो ये असिस्ट करता है कम्युनिकेट करने में आपके जो टीचर है जो आपके प्रोफेसर है अगर आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ रही है समझने में और अगर आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे अच्छा है तो आप अपनी टीचर को बोल सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है मुझे यहां पे चीजें जो है समझ नहीं आ रही है तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप अपने टीचर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे उनसे अपनी जो और जो डिफ़िकल्टी है जो समस्या हैं वो अच्छे से खुल करके क्या कर पाएंगे एक्सप्लेन कर पाएंगे दे हेल्प यू इन फॉर्मिंग बोन्स

तो यही चीज़ें हैं इट अलाउ टू पुट यू पॉइंट्स एकरोस एंड प्रश्यूड अदर अगर आप कोई भी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो अगर आप कोई भी अपने पॉइंट्स को समझाना चाहते हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे अच्छी है बहुत बढ़िया है तो आप क्या करेंगे अपने पॉइंट्स को दूसरों के सामने आराम से रख सकते हैं उनको अपनी बातें अपनी जो आइडियाज़ है जो थॉट है वो उनको कन्वे कर सकते हैं इट ऑल्सो एन्श्योर दैट यू एक्सपीरियंस फार लेस स्ट्रेस देन अदर स्टूडेंट अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे किसी बच्चे का अच्छा है तो उसका जो जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल पे होता है और वहाँ पे उसको जो स्ट्रेस वगैरह है वो बहुत ही कम फील होती है अदर स्टूडेंट के में कंपैरिज़न में जिनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कहीं ना कहीं क्या है लो है ठीक है इट ऑल्सो इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है एक इंडिविजुअल के लिए तो अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आपका बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है तो ये सारी चीज़ें थी जो आज की वीडियो मैंने आपके साथ डिसकर डिस्कस करी आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगी होगी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए अपने वैल्यूएबल कमेंट यहाँ पर छोड़िए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ ना जाइए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है आपके कुछ और टॉपिक बच गए जो मैं आपको जनवरी तक खत्म कर दूंगी ऑलमोस्ट ठीक है उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो मैं आपके स्टार्ट करूंगी आपको एम ज़रूर कराए जाएंगे बहुत सारे मैसेज आते हैं मैं क्वेश्चन भी लेकर के आइए सो एम ज़रूर कराए जाएंगे एक बार आप सिलेबस बस, बस खत्म कर लीजिए ठीक है उसके बाद आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर टॉपिक वाइज चल जाएगी चलिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग मी